the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. अक्टूबर महीना के काठे फेर में जे प्रथम पुरस्कार ग्रुप है 80+3000, द्वितीय पुरस्कार 80+2000, तृतीय पुरस्कार 80+1000, चतुर्थ पुरस्कार 80+1000। जो भी टीम पुरस्कार लेना चाहते हैं आप जी ग्रुप पर न्यू नियंग स्पोर्टिंग क्लब भारत स्मिता के साथ संपर्क करेंगे। मात्र 32 टीम का मांग है और हम कोशिश करेंगे कि आप सब ये टूर्नामेंट में सहयोग करेंगे। और कल के दिन में जो जो 40+ का जो मैच खेला जाएगा फाइनल डे में, जिनमें ग्रुप ए का फर्स्ट मैच खेला जाएगा नासिकपुर एफसी फुटबॉल टीम बनाम ओल्ड चंदसर, दूसरा मैच रहेगा डीजे जगन्नाथ फुटबॉल टीम बनाम एफसीजे, तीसरा मैच रहेगा जोड़ा एफसी फुटबॉल टीम बनाम एसर यानी एक्स प्लेयर साउथ ईस्टर्न रेलवे के एक्स प्लेयर डीपीएस। उसी प्रकार से ग्रुप बी से खेला जाएगा नॉर्मुंडी एफसी बाले सिटी एफसी, दूसरा मैच रहेगा होम फाइटर फुटबॉल टीम न्यू गार्डन कोयरा, और रहेगा अंतिम मैच ग्रुप बी का 40+ का बाबा मुर्गा पार्क फुटबॉल टीम बनाम मां तरणी क्लब के अंचल। ये है कल का 40+ का टीम। हमारे इस प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए हाथ रहा है सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और हमारे कमेटी परिवार की ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन सभी सज्जन का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने हमें सहयोग किया और वर्ष 2022 के प्रतियोगिता को समापन समारोह तक सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए एक अहम योगदान का हाथ बढ़ाया है। उनमें मुख्य रूप से मंगल सिंह गिलवा भाजपा नेता जो कि कल हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में भी उपस्थित रहेंगे, दिनेश लोहार समाज से भी बड़बुल, जोप्रियाल मुंडा जंगू भाई समाज से भी बड़बुल, राय भूमिज प्रखंड अध्यक्ष जगन्नाथपुर भाजपा, स्टोन भाई गोरियाडुबा, अनूप लागुरी घुमरिया, शिवम बोर्ड हापू गुट्टू जो कि हमारे प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है, उनका स्पॉन्सर है शिवम बोर्ड, निमिर हेसा जल्दिया, विमल कोड़ा मुखिया काशी का पंचायत, जय प्रकाश लागुरी मुखिया कुसुमिता, जुगत सिंह बालिया पोसी, यूथ यूनियन तांगर, पिंटू भाई रंजित मेडिकल हार्ट का भरिया, सरोज सिंह सार्टिल, विक्टर भाई रंजन गोट डीपीएस कंस्ट्रक्शन, भरत गोम उप्रमुख जगन्नाथपुर, पूर्ति प्रमुख जगन्नाथपुर, मानसिंह बांद्रा उप मुखिया डांगा पोसी, अमित गोट डांगा पोसी, मनोज गोट डांगा पोसी, रामू कागराई पापलो कुला दुर्गो, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति हैं जिनका सहयोग के बदौलत हम वर्ष 2022 के इस प्रतियोगिता में एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। 1991 से चलती आ रही है फुटबॉल प्रतियोगिता फ्रेंड्स क्लब जल्दिया के पित्र तले आयोजित किया गया है, और ये ऐतिहासिक है। यहाँ पे प्रासव पर्व के उपलक्ष्य में फुटबॉल प्रतियोगिता होता है, इसका इतिहास रहा है। पहले यहाँ पे प्रासव पर्व के रूप में एक मेला लगती थी, पर्व होती थी, उसको धीरे धीरे उसको बदलकर फुटबॉल प्रतियोगिता के रूप में दिया गया, और 1991 से फुटबॉल प्रतियोगिता होती आ रही है। और
जितने भी स्पॉन्सर है सभी को धन्यवाद। और ये जो पेट हाउस और डीजे साउंड है लवली साउंड लवली टेंट चमक रहे खुशी डीजे पदमपुर उन्हीं का पेंट हाउस भी है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय में उन्होंने हमारे मैदान में इस प्रकार की सजावट की जिसे एक छोटे से मैदान को भव्य रूप दिया गया है जिसमें खुशी डीजे का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी यूट्यूबर भाई आए हुए हैं, चार चार यूट्यूबर भाई हैं, उन सभी यूट्यूबर भाइयों को भी धन्यवाद। हरीश स्पोर्ट पिंटू बोदरा ब्रिजर स्पोर्ट हरीश हेमरोम ये चारों यूट्यूबर्स आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बदौलत कोल्हान क्षेत्र के ओडिशा क्षेत्र के जितने भी फुटबॉल प्रेमी हैं सभी हमारे फुटबॉल प्रतियोगिता का आनंद उठाएंगे यूट्यूब के जरिए। और फ्रेंड्स क्लब चरेठा का एक नाम होगा क्योंकि इस प्रकार का फुटबॉल प्रतियोगिता होता है, इसमें आप सबका अहम योगदान है। आपके बदौलत मोबाइल के जरिए लोग यहाँ के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे रेफरी टीम को जो कि जमशेदपुर से आए हैं, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि और इस मैच का आगे का विवरण देंगे लिटिल सिंह जी ब्रेक के बाद। जो टीम जीतेगी कम से कम एक पुरस्कार अपने टीम के हाथ हो जाएंगे और फाइनल में खेलने का उनके मौका बन जाएगा। तो यहाँ पर टीम में बात की जाए आगे बढ़ते हुए क्लियर किया गया मौका बनेगा यहाँ पर टीम के लिए। और इस केस के बाद जो मैच खेला जाएगा आज का दिन का अंतिम मैच रहेगा क्वार्टर फाइनल का मैच, वो दो टीम है यहाँ पर एक रोमांचक मुकाबला होता हुआ क्योंकि एक गेंद के मुकाबले आक्रमण के मोमेंट बनाते हुए मानसिंह छूटे यहाँ पर और काफी श्रद्धा यहाँ पर राजा के गेंद को पास किया है और छीनने का प्रयास फिर पास किया यहाँ पर प्रसाद के लिए देखना पड़ेगा सेंटर लाइन के आसपास से फ्री किक का मौका मिलता हुआ उम्मीद है यहाँ पर लंबी छाल के लिए लेकिन उससे पहले गेंद को नियंत्रण किया है
रखने की कोशिश, लेकिन पीछे से पैर अड़ाया था, इसीलिए फॉल एंड मिसकंडक्ट का नियम नंबर 12 का पालन करते हुए शंभू रवेसरा और एक फ्री किक का मौका मिलता हो रहा कृष्णा इस गेंद को किक करती है पास पर सात के लिए। काफी शुक्र अपने नियंत्रण पर रखकर राइट फुट फील्डर आगे बढ़ने की कोशिश ब्रेक पास किए यहाँ पर और कृष्णा गेंद को लेने की कोशिश करते हुए यहाँ पर तेजी दिखाते हुए के बाद छोटे पास के इस्तेमाल करते हुए काफी अच्छी है आगे बढ़ना चाहते हुए मिलता हुआ इसमें दो नंबर बृहस्पति को और सीधा ढूंढा राजा को राजा ने अपने नियंत्रण में रखी गेंद को पीछे की तरफ लेकिन इसी क्रम में गेंद चली गई मना से बाहर। हेलो वॉलंटियर्स ध्यान दें, हमारे मंच के सामने जितने भी लोग बैठे हुए हैं कृपया उन लोगों को उन सबों को हटा देने की कृपा करेंगे। वॉलंटियर्स ध्यान देंगे, मंच के सामने जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको हटा देने की कृपा करेंगे। यहाँ पर लंबी उछाल और विमल जाना चाहते थे, उससे पहले गेंद को क्लियर करने की कोशिश जयपाल विमल को देना चाहते थे लेकिन विमल दोबारा आए यहाँ पर, लेकिन उससे पहले छह नंबर ने गेंद को लेने की कोशिश की है पंडित, लेकिन पंडित ने अपने साथीला को देते हुए यहाँ पर बढ़िया पास खेलता हुआ बॉल छोड़ सकर पर बढ़ाने की प्रयास में छोटे पास फिर से देने की कोशिश शीतु लंबी छाल ग्यारह नंबर को देते हुए ग्यारह नंबर पप्पी और फिर से मिलता हुआ उन्होंने और यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ पांच नंबर के पास गेंद सरकाया गेंद को और नियंत्रण रखकर फिर से मानसिंह के लिए मानसिंह ने नियंत्रण किया गेंद को फिर पास किया उन्होंने और बढ़िया तालमेल के साथ खेलते हुए फिर से मिलता हुआ यहाँ पर क्या कुछ करेंगे देखना पड़ेगा बाल छोड़ से आक्रमण बढ़ाने का प्रयास करते हुए इसी हालत में इस मैच को दोनों टीमें चाहेंगे क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ते हुए सीधे पुरस्कार के अंदर पड़े मान सिंह यहाँ पर लगे हुए हैं लेकिन इस गेंद को क्लियर किया और सीधा पास खेला है लेकिन इस बीच खेल का शुरुआत हो चुका है बैजनाथ के पास है गेंद और अपने नियंत्रण में रखी है बैजनाथ राजा के लिए गेंद को पास किया है और यहाँ विमल को मिलता हुआ बाय माउस से यहाँ पर इन करना चाहते थे लेकिन इस गेंद को क्लियर करने की कोशिश करता हुआ देखना पड़ेगा लेकिन उससे पहले मिलता हुआ दोनों पर को अपने बाय छोर के किनारे को देते हुए पंकज से यहाँ पर क्रॉस डालने का प्रयास राजा आए हैं कुछ करेंगे राजा जो सिकाई थी जरूर उनके द्वारा लेकिन डिपेंडर ने क्लियर करने की कोशिश फिर से राजा पाए पाओ से यहाँ पर उछली पास डाली है गोलकीपर पंच आउट किया है जरूर दोबारा आया और यहाँ पर दीपक ने गेंद को कंट्रोल करने के बाद आगे की तरफ पास खेलना चाहते थे लेकिन गेंद चलने की वजह से बाहर और ट्रन करते हुए यहाँ पर कृष्णा को मिली है गेंद कृष्णा ने आगे बढ़ाना चाहते थे लेकिन डिफेंडर ने क्लियर किया और फिर से आक्रमण का मोमेंट बढ़ाता हुआ लंबी उछाल के साथ रिलीज की गेंद तो लेकिन पंडित का हेडर वापस ही गेंद और यहाँ पर नियंत्रण करने के बाद पास कर बैठे दस नंबर को मिली है गेंद खेलते हुए और कृष्णा के लिए गेंद को पास किया कृष्णा फिर से पंकज को देते हुए बढ़िया तालमेल के साथ खेलते हुए लंबी उछाल के साथ यहाँ पर रिलीज की गेंद को सीधे राजा के लिए राजा अपने नियंत्रण पर रखी है राजा अपने नियंत्रण में रखकर दांचों के तड़ को देते हुए बैठना यहाँ पर क्या कुछ करेंगे देखना पड़ेगा और राजा के साथ तालमेल बनाते हुए राजा ने अपने नियंत्रण में रखी है गेंद को क्रॉस डाली जरूर लेकिन डिफेंडर मौजूद गेंद को सीधे मानसिंह के लिए बढ़ाया मानसिंह ने अपने नियंत्रण में रखी है मानसिंह तेजी दिखाते हुए बाछों से बहुत ही तेज तरार के साथ ले जाने के प्रयास नाटे जरूर लेकिन बड़े खोटे हैं और उन्होंने सीधे अपने साथी खिलाड़ी को देते हुए दीपक के लिए और क्रॉस डालना चाहते थे यहाँ पर दौड़ कर आए हैं नवीन के पास है गेंद नवीन गेंद तक जाना चाहते थे लेकिन गेंद चली गई बाहर और थ्रोइंग का मौका मिलेगा एक्सेस है
कितना प्रेमी चंद्र जी एक चप्पल के बाद सुबह पास किया है और छोटे पास की बात करते हुए तालमेल बढ़ाते हुए निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास में लगे हुए हैं। बृहस्पति को फिर से मिली है गेंद, छोटे पास की बात करते हुए बढ़िया तालमेल जयपाल के लिए। जयपाल ने नियंत्रण किया गेंद को, ब्रेक पास किए थे जरूर लेकिन यहाँ मिडफील्डर के रूप में बैक डिफेंडर आए थे और प्रसाद और यहाँ देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या कुछ करेंगे। बारह नंबर के लिए गेंद को रिलीज की राजा के लिए, राजा ने फिर से प्रसाद के लिए गेंद को पास किया है। उन्होंने हेडर द्वारा क्लियर करने की कोशिश है लेकिन यहाँ पर बैक पास किया है राजा ने करते हुए और फिर से बैक डिफेंडर प्रसाद अपने नियंत्रण में रखे। उन्होंने आगे की तरफ बढ़ाए, विमल को ढूंढा, विमल ने नियंत्रण में रखी है, बैक पास किया और बढ़िया तालमेल बढ़ाते हुए फिर से प्रसाद बैक डिफेंडर को जगह बनाने की कोशिश करता हुआ तालमेल के साथ यहाँ पर लेकिन थोड़ी सी चुप उनके द्वारा और चली गई गेंद गोला से बाहर। काफी रोमांचक मुकाबला होता हुआ देखना पड़ेगा। एक सब्स्टिट्यूट को लाते हुए यहां पर सेलेसे की तरफ से जो कि परिवर्तन होता पर राजा मैदान से बाहर गए हैं और इशारा है शंभू बेशरा का, लंबी चाल के साथ खेल को शुरू किया है और पंकज की उछाल के साथ है सब्स्टिट्यूट में अभी आए खिलाड़ी ने बढ़िया व्यवस्था दी है। यहाँ पर मौका बनाने की कोशिश विमल को मिली है, विमल अपने नियंत्रण में रखी है, पास किया है कृष्णा के साथ तालमेल बनाते हुए और अभी उछाल अच्छी क्रॉस लेकिन पंडित जी हेडर फिर से आक्रमण का मोमेंट बनाने की कोशिश लेकिन दीपक वहां पर जरूर आए थे और मानसिंह इस समय गेंद को अपने कंट्रोल में लेते हुए नियंत्रण करने के बाद फिर से मिलता हुआ बृहस्पति जो कि बृहस्पति पृथ्वी में खेलते हुए कृष्णा के लिए गेंद को पास किया है प्रसाद के लिए। प्रसाद ने साइड मिडफील्डर को देते हुए लंबी चाल के साथ रिलीज की, इसीलिए गोल पोस्ट में जयपाल के लिए मौका लेकिन रोकने में जो दोबारा प्रयास यहाँ पर विमल का लेकिन दिशाहीन गेंद और चली गई मैदान से बाहर। एक एक के मुकाबले अभी भी दो के पोजीशन पे मैच चलता हुआ काफी रोमांचक मुकाबला होता हुआ जस्ट पास देते हुए को बड़े पास तालमेल बढ़ाते हुए यहाँ पर छह नंबर के गेंद को रिलीज की। उन्होंने या कुछ करेंगे देखना पड़ेगा, दो डिफेंडर उनके पीछे लगे हुए पास करते हुए बृहस्पति ने किक किया जरूर और दो डिफेंडरों से टकराने के बाद यहाँ पर मौका बनाने की कोशिश और तेजी दिखाते हुए सीटीआई है शंभू वेसरा जी का जो की मुख्य संचालक क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का उम्मीद हम किए थे जरूर लेकिन वही डिसीजन लिया शंभू बेसरा जी क्योंकि लास्ट डिफेंस थे प्रसाद और
जब देखा जाता फुटबॉल में अगर लास्ट डिफेंस को हो तो उसमें आपको किसी भी हालत पर गोल को रोकना होगा और इसी का काम करते हुए अलग बात है, लेकिन लास्ट डिफेंस होने के बाद उन्होंने गेंद को किसी भी तरह गेंद नहीं तो आदमी को रोकते हुए खेले उन्होंने एक फिर का मौका लेकिन गेंद को अपने कब्जे में लेकर बप्पी क्या कुछ करेंगे देखना पड़ेगा, लेकिन इसी कलम में गेंद चली गई बना से बाहर। थोड़े दौड़ के बाद बप्पी नियंत्रण अच्छी तालमेल के साथ खेलते हुए लेकिन चलेगी गेंद इसी क्रम में गेंद मैदान से बाहर और थ्रोइंग कपों का बिता हुआ लघु छाल के जरिए गेंद को रिलीज किया अभिषेंदर नियंत्रण करने के बाद बृहस्पति को देते हुए बृहस्पति और कोशिश करता हुआ यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश में सचिन टुडू और फिर से बृहस्पति नियंत्रण करने के बाद कृष्णा को ढूंढा जो कि पिकुल के नाम से जाने जाते हैं फुटबॉल में और बढ़िया फुटबॉल करते हुए देखना पड़ेगा बढ़िया तालमेल के साथ सचिन टुडू यहाँ पर टीम की थी गेंद को छोटी गेंद पंडित ने और इस गेंद को कंट्रोल किया और लंबी उछाल के साथ आगे बढ़ाना चाहते थे दिशाएं किक किए उन्होंने और गेंद के मैदान से बाहर सचिन 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 दोनों टीम एक बेहद रोमांचक मुकाबला एक गेंद के मुकाबले दो पर चलता हुआ है किस्सा को ढूंढने का प्रयास लेकिन ढूंढ नहीं पाए और पांच नंबर सीधू ने आगे बढ़ाने की कोशिश लेकिन यहां पर जब शीश गोलकीपर ने पास खेला है बृहस्पति के साथ बृहस्पति अपने नियंत्रण में रखी सचिन टुडू ने आगे बढ़ाई विमल कुमार विमल ने नियंत्रण किया गेंद को और किस्सा के साथ खेलते हुए फुटबॉल खेलती हुई दोनों टीमें कहना पड़ेगा यहाँ पर टॉप पोजीशन में नहीं चलता हुआ एक एक के मुकाबले पर दोनों टीमें एक एक गोल किए हैं अब दूसरा गोल की तलाश में मेहनत मशक्कत करते हुए मैदान के अंदर यहाँ पर बृहस्पति को गेंद मिलती उससे पहले शंभू बैसा जी